दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे कि टर्की और यूनाइटेड स्टेट का रिलेशन कुछ दिनों में बहुत खराब हुआ है और इसके पीछे जो कारण है वो है रशिया का S-400। दोस्तों टर्की असल में रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट टर्की से नाराज है और इस नाराजगी के कारण टर्की को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बहुत सारा धमकी भी मिला है। पर दोस्तों मजे का बात यह है कि इस नाराजगी का फायदा उठा रहा है रशिया और इस मौके में रशिया ने टर्की को अपना SU-57 का ऑफर कर दिया है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस न्यूज के बारे में डिटेल में। दोस्तों आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट का काटसा के रूल के बारे में तो सुने ही होंगे। काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट का एक लॉ है जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट अपना एडवर्सरी मतलब दुश्मनों को सबक सिखाता है सैंक्शन के थ्रू। दोस्तों इस रूल के तहत कोई भी कंट्री अगर नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया से कोई भी डिफेंस डील करता है तो उस कंट्री के ऊपर यूनाइटेड स्टेट का सैंक्शन लागू होता है और इस सैंक्शन के तहत वो कंट्री को बहुत सारा मुसीबत झेलना पड़ता है और टर्की के साथ भी यही हुआ। दोस्तों टर्की रशिया से S-400 खरीदना चाहता था पर आप सब लोग जानते ही होंगे कि रशिया यूनाइटेड स्टेट का एक एडवर्सरी है और रशिया से अगर टर्की ये चीज खरीदेगा तो ये यूनाइटेड स्टेट के लिए नुकसानदायक होगा और इसी वजह से अमेरिका ने टर्की को सैंक्शन का धमकी दे चुका है और इवन ये भी बोला है कि अगर टर्की S-400 को खरीदता है तो यूनाइटेड स्टेट अपना F-35 एयरक्राफ्ट टर्की को नहीं देगा और साथ ही साथ टर्की का जो नेटो का मेंबरशिप है वो भी छीन लेगा। पर दोस्तों इस चीज का फायदा उठाया रशिया ने टर्की को अपना SU-57 मतलब Sukhoi-57 का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका ऑफर कर चुका है। रशिया की तरफ से बोला गया है अगर टर्की यूनाइटेड स्टेट का F-35 एयरक्राफ्ट नहीं खरीदता है तो वो Sukhoi-57 को खरीद सकता है। दोस्तों आप सब लोग पहले ही जानते होंगे कि रशिया की तरफ से Sukhoi-57 का एक एक्सपोर्ट वर्जन मतलब SU-57E बनाया गया है जो रशिया दुनिया के बाकी कंट्रियों में बेचना चाहता है और इस दौर में चाइना और इंडिया सबसे पहले है। पर अभी टर्की का भी नाम आ रहा है। रशिया अपना वेपन मार्केट में कदम जमाना चाहता है। सोवियत यूनियन के समय में रशिया का जो वेपन एक्सपोर्ट था वो काफी ज्यादा था पर रशियन फेडरेशन का अभी वेपन एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है और रशिया अपना ये जगह फिर से बनाना चाहता है जिस वजह से रशिया दुनिया को बहुत ही एडवांस और डेडलियर वेपन का ऑफर करता है। जैसे कि रशिया का S-400 ये एक बहुत ही एडवांस वेपन है और ये रशिया बहुत सारा कंट्री को बेच रहा है और अभी दूसरा सबसे बड़ा वेपन है रशिया का SU-57। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट और टर्की का ये जो समस्या है उसका अगर बैकग्राउंड को देखें तो आपको पता चलेगा कि नेटो कंट्री कभी भी रशिया से इक्विपमेंट नहीं खरीदता है पर टर्की एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर होते हुए रशिया से S-400 खरीदना चाहता है तो लाजमी नेटो और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऑब्जेक्शन तो आएगा ही। पर टर्की एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के कारण से किसी से भी कुछ खरीद सकता है, उसमें तीसरा कंट्री का दखल अंदाजी सही नहीं होगा। पर दोस्तों ये भी सही बात है कि नेटो को बनाया गया था रशिया को काउंटर करने के लिए और अगर कोई नेटो का मेंबर रशिया का मित्र बन जाएगा तो ये इसका पॉलिसी के बाहर है। दोस्तों जब टर्की की तरफ से S-400 खरीदने का बात किया गया था तो यूनाइटेड स्टेट ने टर्की को सख्त मना किया था और ये भी बोला था कि टर्की को अगर एयर डिफेंस सिस्टम का जरूरत है तो यूनाइटेड स्टेट का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। पर टर्की की तरफ से बताया गया है कि S-400 टर्की का डिफेंस जरूरतों को परफेक्टली पूरा करता है और अगर यूनाइटेड स्टेट टर्की को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता है तो टर्की वो खरीदेगा पर S-400 का डील को वो रद्द नहीं करेगा। मतलब टर्की S-400 के साथ यूनाइटेड स्टेट को खुश करने के लिए पेट्रियट भी खरीदेगा। पर टर्की की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगर यूनाइटेड स्टेट टर्की के ऊपर ये सैंक्शन लगाता है और पेट्रियट सिस्टम बेचना नहीं चाहता है तो वो और ज्यादा S-400 सिस्टम खरीदेगा। मतलब ये टर्की की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को एक डायरेक्ट धमकी है और दोस्तों ये धमकी के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका टर्की को F-35 एयरक्राफ्ट नहीं देगा और फिलहाल टर्किश एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का सख्त जरूरत है और दुनिया में यूनाइटेड स्टेट और रशिया के अलावा कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बेच रहा है। मतलब डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि अब रशियन SU-57 टर्किश एयरफोर्स में शामिल होने के रास्ते में है। पर देखना यह है कि टर्की बीच में से कोई और रास्ता निकालता है कि नहीं। दोस्तों S-400 के बाद अगर टर्की SU-57 को भी खरीदता है तो यूनाइटेड स्टेट को यह डायरेक्ट धमकी होगा और ये धमकी के बदले में यूनाइटेड स्टेट के अलावा यूरोपियन कंट्री के तरफ से भी टर्की के ऊपर एक सैंक्शन लग सकता है और ये टर्की के इकोनॉमी के लिए काफी घातक होगा जिस वजह से कोई कोई ये भी सोच रहे हैं कि शायद टर्की S-400 खरीद ले पर SU-57 के तरफ नहीं जाएगा बल्कि उसके बदले में टर्की अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट कर प्रोसेस में जाएगा और इस डेवलपमेंट के लिए रशिया से थोड़ा बहुत मदद ले सकता है पर डायरेक्ट परचेसिंग का रिस्क नहीं लेगा। पर दोस्तों जो भी हो इसमें नुकसान किसी का भी हो पर फायदा तो
रशिया का ही है। रशिया इनडायरेक्टली नेटो मेंबर्स में से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री को बाहर निकालने में सफल हो गया, और खाली इतना नहीं, बाहर निकालने के बाद खुद के तरफ आने में भी मजबूर कर दिया और अपना डिफेंस मार्केट को भी ग्रो किया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।